पाल बिजला से सुने मकान में 6 लाख की चोरी, मामला अलवरगेट थाने में दर्ज, पुलिस ने किया मौका मुआयना। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों में पुलिस का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है, वे आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पाल बिजला से सुने मकान में फिर चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए 6 लाख का माल घर से साफ कर दिया। मकान मालिक के जवाई ने बताया कि उनकी सास और साला बड़े साले से मिलने गए हुए हैं और मकान 2 दिन से बिल्कुल सूना था और आज उसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर के ताले तोड़े और घर में घुसकर घर में पड़े जेवर और कैश पर हाथ साफ कर दिया, जिसको लेकर अलवरगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामले की तफ्तीश में जुटी है। जी मैडम, क्या सूचना मिली थी? सर मैं यहाँ पर आई और मुझे, मैं जयपुर में रहती हूँ, मुझे वहाँ पर भी फ़ोन से सूचना मिली। जैसा मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि 40-50 लाख तो कैश था यहाँ पर, मतलब 2 साल हुए शादी को तो उसका भी पेमेंट था, जैसे और भी था खुले पैसे वगैरह, ऐसे करके 40-50 तो वो कैश बता रही है। और मेरी मम्मी का भी सोना था और मेरी भाभी जी का था, वो भी सोना चांदी सब कुछ था, ऐसे मिला के मतलब 8-9 तोला सोना ही गया है, 8-9 तोला तो सोना ही गया है और 40-50 हज़ार का ये कैश गया है, ये मिनिमम उन्होंने जो बताई है वो मैं बता रही हूँ आपको। और बाकी छोटी मोटी जैसे 2 गैस सिलेंडर लेके गए, LED 40 इंचेस का LED TV लेकर गए, सेटअप बॉक्स लेकर गए, छोटी मोटी चूड़ियाँ, महंगी महंगी साड़ियाँ, बर्तन, काफ़ी कुछ लेके गए सर जी। मतलब आप जब यहाँ आए तो ये कंडीशन मिली आपको? बिल्कुल सर, ऐसे कैसे ही मुझे यहाँ पे मिला है, ताले टूटे पड़े हैं वहाँ पर उस वाली अलमारी में, तो बिल्कुल लॉक भी उसमें चाबी भी लग रही है और नीचे से ताला भी तोड़ा हुआ है और वो बक्सा है, घर में कोई भी नहीं था सर। कहाँ गए? कपूरतला गए हुए हैं। आपका नाम? सोनू है मेरा नाम। किनका मकान है? ये मेरे पापा का मकान है, राम सिंह जी कायत का। किस जगह है मकान? पाल बिजला अजमेर में है सर। आपका नाम? सोनू जी। भैया क्या हुआ था और क्या सूचना मिली थी आपको? मैं शिक्षा बोर्ड में ऑपरेटर का काम करता हूँ। करीब 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया मेरे साले का, तो उन्होंने कहा कि बोला आप घर जाके देखो ताले टूटे पड़े। जब मैं यहाँ आया तो काफ़ी लोगों की भीड़ थी और जब मैं अंदर आके देखा, लेकिन उस टाइम मैं अंदर नहीं आया क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ फिंगर जो प्रिंट से वो मिसमैच हो सकते। तो यहाँ के पड़ोसी पुलिस को थाने में इन कॉल करा तो पुलिस वाले आए और उन्होंने मौके इंक्वायरी करी, जिसे देखा कि यहाँ पूरी सामान अव्यवस्थ था और आप भी देख सकते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल हो चुका है। तो और क्या क्या सामान था भैया और किसका मकान है ये? मेरे ससुराल पक्ष का मकान है। क्या नाम? जिनके मेरे ससुर का नाम है राम सिंह जी कायत, वो इनका देहांत हो चुका है और वो मेरी सास और मेरे साले बड़े साले से मिलने कपूरथला गए, तो 2 दिन हो चुके उनको गए हुए, तो उसके बाद ये घटना घटी। क्या क्या चोरी हुआ है? क्या क्या चोरी हुआ है? ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स गायब हुए और कैश भी गायब हुआ, लेकिन उसकी जो एक निश्चित राशि है वो ही बता सकते हैं। ज्वेलरी वगैरह सब? हाँ बिल्कुल। टीवी भी लेके? हाँ टीवी है, सेटअप बॉक्स है और 2 सिलेंडर है और पूरा घर अव्यस्त था, यानी जब हम आए थे। क्या मानते हैं आपने जब यहाँ आए तो क्या देखा था कि मतलब के सब लोग तोड़े हुए थे या? बिल्कुल, जब देखे थे यानी मैंने तो खैर लोग सुबह देखी नहीं कंडीशन, लेकिन जब मैं यहाँ तो उपस्थित था तो लोग टूटे हुए थे और पूरा घर इस जैसे आप देख रहे हैं एट प्रेजेंट कंडीशन। तो आप देख सकते हैं ये जो अलमारी ये वाली, ये देख के ऐसा लगता है कि जैसे इसको चाबी से खोला गया है, मेरा एक अंदाजा आई है। बाकी क्या है एक्चुअल पोजिशन वो तो कितने का माल समझते हैं पूरा मिला के? करीब मैं सोचता हूँ जैसे 6 लाख तो समथिंग मान के चले, एक अप्रोक्सीमेटली है ये लगभग। कहाँ पर ये मकान? ये है पाल बिचला। कैश कितना था भैया? कैश का तो देखिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी जैसे ये ऑनर ही बता पाएंगे, बाकी तो फिर भी आप मान के चले कि 5-6 लाख का नुकसान हो चुका है। मेरा नाम उमेश कुमार है। रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट मैं सुबह आए थे लेकिन हाँ करा दिए, लेकिन वो आ चुके थाने में, ये अलवरगेट।